हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन एमसीसी अभिषेक सर में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर वन का 1-2 सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23 यह क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल देना है। उसके बाद हम चर एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दिए गए समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा। और इस समीकरण को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 × बटा में एक्स है, इसको हम अलग करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस यह बटा में वाई नहीं है, इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर 14 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान देंगे। उसके बाद इसको हम लोग किस समीकरण में एक्सप्रेस करेंगे, देख लीजिए, 3 × हो जाएगा 1/x माइनस हो जाएगा 4y = 23, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए 1/x है केवल, तो 1/x को हम दूसरे चर के रूप में बदल देंगे, यानी 1/x को किसी चर के रूप में मान देंगे। तो लिखेंगे माना कि 1/x = a, अब लिखेंगे 1/x के मान को समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, जैसे ही हम 1/x के मान को समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे तो यह समीकरण हो जाएगा 4 × 1/x है तो उसका मान a प्लस 3y = 14 हो जाएगा, इसको हम समीकरण 3 मान देते हैं। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 2 में भी 1/x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3a - 4y = 23, यह समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए, यदि हमें a के गुणांक को बराबर करना हो तो इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यदि हमें y के गुणांक को बराबर करना हो तो इसमें 4 से गुना करेंगे, मतलब समीकरण 3 में 4 से गुना करेंगे और समीकरण 4 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो समीकरण 3 में 4 से गुना कर दें और समीकरण 4 में 3 से गुना करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा और y के मतलब जो पद है वह कैंसिल कर देंगे, उसके बाद a का वैल्यू आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 × 4 और समीकरण 4 × 3 को जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि दोनों मतलब समीकरण 3 में जो y का गुणांक है उसका चिन्ह है प्लस में और समीकरण 4 में y का जो गुणांक है उसका चिन्ह है माइनस में। जब अलग अलग चिन्ह होता है तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाता है क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब गुना करके हम लोग लिखें, 4 × 16a + 3 × 12y = 14 × 56 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 9a - 4 × 12y = 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69 होगा। अब 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25a = हो जाएगा 9 × 15, 125 हो जाएगा और a का वैल्यू निकलेगा 125/25 यानी 5। अब देखिए, अब a के मान को समीकरण 3 या 4 में रखेंगे, लिखेंगे अब a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तब हमें देखिए क्या प्राप्त होता है, 4 × a है तो a का मान 5 है, प्लस 3y है बराबर 14 है। अब देखिए 4 × 5 = 20 प्लस 3y = 14 हो जाएगा, 20 को हटाएंगे तो हो जाएगा 3y = 14 - 20, 3y = 14 में से घटाएंगे 20 तो -6 होगा और y का वैल्यू -6/3 यानी -2 होता है, y का मान -2 होगा। देखिए
अब हमें निकालना है x का मान, जो कि x का मान जो है यहां से निकलेगा 1 बटा x बराबर a हमने माना है, तो a का मान 5 है, तो लिखा जाएगा चूंकि 1 बाई एक्स इक्वल टू a, इसलिए 1 बाई एक्स इक्वल टू a का वैल्यू 5 बाई 1 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x का वैल्यू 1 बटा 5 हो जाएगा, यह करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, यह सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइव बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 बराबर 2 है। उसके बाद 6 बटा एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटा वाई माइनस 2 बराबर में है 1। अब देखिए दोनों समीकरण का कंपेयर करते हैं, तो समीकरण एक है, मतलब पहला समीकरण मान के चलिए ये है, तो 5 बटा में x माइनस 1 है, तो समीकरण 2 में भी बटा में x माइनस 1 है, और इसमें भी बटा में y माइनस 2 है, तो इसमें भी बटा में y माइनस 2 है, सेम टाइप का दिया हुआ है। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे दूसरे समीकरण में, तो देखिए इसको 5 को जब अलग किया जाएगा तो 5 इंटू हो जाएगा 1 बटा x माइनस 1 और प्लस 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वेशन में फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे, 6 इंटू हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस, अब 3 को हटाएंगे तो 3 इंटू 1 बाई वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों समीकरणों में, देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 1 बटा एक्स माइनस 1 है और 1 बटा वाई माइनस 2 है, तब क्या करेंगे हम लोग, 1 बटा एक्स माइनस 1 को कोई चर मान लेंगे और फिर 1 बटा वाई माइनस 2 को भी कोई दूसरा चर मान लेंगे और उसके मान को जब समीकरण में रखा जाएगा तो हमें रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त होगा। फिर उसको सॉल्व करने के पश्चात हमको x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं, मिल जाएगा। अब देखिए लिखेंगे, माना कि 1 बटा x माइनस 1 इक्वल टू a एवं 1 बटा y माइनस 2 इक्वल टू b। अब लिखेंगे 1 बटा x माइनस 1 एवं 1 बटा y माइनस 2 के मान को समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, दोनों समीकरणों में रखा जाएगा तो समीकरण 1 से पहले चला जाए हम लोग, तो यह है 5 इंटू है 1 बटा x माइनस 1, तो 1 बटा x माइनस 1 का वैल्यू है a प्लस 1 बटा वाई माइनस 2 का वैल्यू है b बराबर 2, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। फिर अब अगले समीकरण से तो 6 इंटू 1 बटा x माइनस 1 का वैल्यू a माने हैं और माइनस 3 इंटू हो जाएगा b इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 में सिर्फ 3 से गुना कर देंगे तो b का गुणांक बराबर हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एवं 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ा जाएगा तो समीकरण 3 में 3 से गुना पहले कर लिया जाए तो 3 पचे 15 ए हो जाएगा प्लस बी गुना 3 भी हो जाएगा बराबर 2 तिया 6 हो जाएगा, और समीकरण 4 को ऐसे ही लिखना है तो अब इसको जोड़ा जाएगा, 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 15 6 21 ए बराबर 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा, इसलिए a इक्वल टू 7/21 मतलब 1/3 हो जाएगा, a का वैल्यू 1/3 निकला। अब a के मान को लिखेंगे, a के
मान को समीकरण तीन में रखने पर, जब इसके मान को समीकरण तीन में रख दिया जाएगा तब हमें b का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे पांच गुना a है तो a का मान एक बटा तीन प्लस बी बराबर दो, यह हो जाएगा पांच बटा तीन प्लस बी बराबर दो, बी का वैल्यू निकलेगा दो माइनस पांच बटा तीन, यानी बी बराबर हो जाएगा तीन और बटा में एक है तो उसका एलसीएम लिया जाएगा तो थ्री हो जाएगा, एक से डिवाइड करेंगे थ्री में थ्री भागफल आएगा तो तीन दुना छ माइनस पांच एकम पांच बराबर एक बटा तीन हो जाएगा, बी का वैल्यू एक बटा तीन। देखेंगे चूंकि ए और बी का मान हमने प्राप्त कर लिया है तो ए और बी के मान से हम एक्स और वाई का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्योंकि वन बटा एक्स माइनस वन का मान जो है ए है इसलिए वन बटा एक्स माइनस वन इजकल टू ए का वैल्यू वन बाई थ्री है तो इससे हम क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें देखिए क्या प्राप्त होता है तो x माइनस वन से वन में गुना करें तो x माइनस वन हो जाएगा बराबर में थ्री वन या थ्री होता है तो x इजकल टू थ्री प्लस वन यानी x इजकल टू फोर होगा, x का वैल्यू फोर आएगा। उसके बाद अब एक बटा वाई माइनस टू का मान हमने b माना है तो एक बटा वाई माइनस टू का मान b के मान के बराबर हो जाएगा यानी एक बटा तीन के बराबर होगा तो फिर इसमें भी क्रॉस गुना करेंगे तो y माइनस टू इजक्ल टू थ्री हो जाएगा, y इजक्ल टू थ्री प्लस टू यानी y का वैल्यू फाइव हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर होगा। तो अब देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया x और y दोनों का, x का वैल्यू आया चार और y का वैल्यू आया पांच। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है सेवन एक्स माइनस टू वाई बाई एक्स बटा वाई एक्स वाई उसके बाद बराबर पांच, उसके बाद क्वेश्चन है उसके बाद इक्वेशन है आठ एक्स प्लस सेवन वाई बटा एक्स वाई इजकल टू पंद्रह। तो इस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदल देंगे तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका यह है कि एक्स वाई को हम पाँच से गुना कर दें तो हो जाएगा सेवन एक्स माइनस टू वाई इजकल टू फाइव एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और फिर इसके बाद इसमें भी एक्स वाई को पंद्रह से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आठ एक्स प्लस सात वाई बराबर पंद्रह एक्स वाई, समीकरण नंबर दो हो जाएगा। अब इसमें वाई वाले को बराबर कर देंगे तो इसमें सात से गुना करना होगा और इसमें दो से गुना करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह, एक गुना सात एवं समीकरण दो गुना दो को जोड़ने पर, कहने का मतलब यह है कि समीकरण एक में सात से गुना करेंगे तो हो जाएगा सात सत्ते उनचास एक्स माइनस सात गुना चौदह वाई बराबर सात पचे पैंतीस एक्स वाई। अब समीकरण दो में दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा आठ गुना सोलह एक्स प्लस चौदह वाई बराबर पंद्रह गुना तीस एक्स वाई। जोड़ने के क्रम में चिन्ह का बदलाव नहीं होता है इसलिए यह चौदह वाई से चौदह कैंसिल हो जाएगा। उनचास में सोलह जोड़ेंगे तो एक्स नौ छः पंद्रह का पाँच और चार दो छ हो जाएगा पैंसठ वाई बराबर पैंतीस एक्स वाई और प्लस तीस एक्स वाई जोड़ेंगे तो पैंसठ एक्स वाई हो जाएगा। यदि इसको मतलब पैंसठ एक्स को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा पैंसठ एक्स बटा में हो जाएगा पैंसठ एक्स इजकल टू वाई, पैंसठ से पैंसठ एक्स कैंसिल हो जाएगा एक बराबर वाई इसलिए वाई का मान हो गया एक आंसर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब y के मान को समीकरण एक में रख देंगे, लिखेंगे अब y के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है
सात एक्स माइनस टू वाई बराबर पांच एक्स वाई, हमें वाई के मान एक को रखना है वाई के जगह, तो हो जाएगा सात एक्स माइनस दो गुना वाई का मान, तो वाई को हटा देना है, उसका मान एक है तो रख देना है, बराबर पांच एक्स गुना वाई का मान एक, तो यह हो जाएगा सात एक्स माइनस दो बराबर हो जाएगा पांच एक्स, पांच एक्स को इधर लाएंगे माइनस दो को उधर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा सात एक्स माइनस पांच एक्स बराबर दो, दो एक्स इक्वल टू दो, एक्स इक्वल टू दो बाई दो, यानी एक्स का मान एक आ गया आंसर। तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं